नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चौहान, आप देख रहे हैं पवन पुरोहिया न्यूज। आज मौजूद हूँ एलनाडी में रेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला प्रभारी सुगंध सिंह के आवास पर। आइए हम जानते हैं जो सुगंध सिंह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जुड़े हैं, आइए जानते हैं सुगंध सिंह। सर ये बताइए, आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जुड़े और इतना जल्द क्यों सुहेलदेव में जुड़े? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पवन पुरोहिया न्यूज के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ और आपका भी करता हूँ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जुड़ने का मेरा मूल उद्देश्य जनसेवा है। जिस प्रकार हमारे नेताजी गरीब मजलूमों और शोषित समाजों की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी लड़ाई में मैं उनका एक सिपाही बनकर मजबूती से लड़ने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ज्वाइन किया। नेताजी आपको ही क्यों याद करते हैं, मैं देखता हूँ जब तो सुगंध सिंह भाई, क्या पूरा ये मामला है, समझ में नहीं आ रहा किसी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी का प्रेम सब पर बराबर है और नेताजी सबको एक साथ लेके चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी का मैं एक अदना सा सिपाही हूँ और नेताजी, आप देखते होंगे तमाम कार्यकर्ता नेताजी के जो हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं या नहीं भी हैं, तो नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी वो जन जन तक जा करके, आप तो देखते होंगे आपके चैनल बराबर चलता है, तो वो उनका प्रेम सब पर है और ये तो आप लोगों का प्रेम है जो आप ऐसा कुछ कह रहे हैं। 2024 का जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में कितने सीटों से जीत होगी? हम तो 80 में 80 जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में और कहीं कोई लड़ाई नहीं है, ये कहने के लिए हवाबाजी है और कुछ नहीं है। इस बार एनडीए और सुभाषपा मिलकर के 80 पे 80 जीते। क्या एनडीए और सुभाषपा का इस बार गठबंधन कितना दिनों तक चलेगा? देखिए, गठबंधन जो हमारा हुआ है वो नेताजी इसके पहले भी एनडीए में थे और मंत्री थे और मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब आप देख रहे होंगे मीडिया में चल रहा है, आप तो चैनल चलाते हैं और सब तमाम पेपर पढ़ते हैं, भर राज भर जाती कोई 80 में ज्वाइन कराने जा रहा है। तो नेताजी का जो लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को लेकर के उन्होंने एनडीए से पुनः गठबंधन किया और अपने लोगों को मजबूत करने का उनका पूरा प्रयास जो रहता है उसके लिए उन्होंने एनडीए से। अक्टूबर में एक जनसभा होने वाली है जो महिला सम्मेलन का नाम दिया गया है, उसमें कौन कौन आने वाले हैं, कौन खास मुख्य अतिथि होंगे? देखिये, वो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का होगा और ये आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र में ही कहीं होगा और जल्द ही आपको तारीख और जगह दोनों बता दी जाएगी। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और यहीं से चुनाव का आगाज भी हो जाएगा, लोकसभा चुनाव का आगाज आजमगढ़ की धरती से ही और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में ही आगाज किया जाएगा। और ये महिला सम्मेलन इसलिए रखा गया है कि नेताजी, देखिए आप सदन में भी बार बार कहते हैं कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, तो इसलिए इस कार्यक्रम का नाम महिला सम्मेलन है। अच्छा, गांव-गांव में जो गठन चल रहा है मैं देख रहा हूँ, आप भी उस गठन में पहुँचते हैं? नहीं नहीं, ये चुनावी भी है और एक तरीके से कह लिया जाए कि अपनों से मिलने की भी तैयारी है, क्योंकि सुभाषपा हमेशा अपने लोगों से मिलती रहती है और गांव में गठन का विषय ये भी है कि लोगों से जुड़ भी जाएंगे और लोगों की समस्या को भी सुन लेंगे और पार्टी का गठन तो सदैव चलता रहा है और आज भी चल रहा है। अच्छा, आप तो किसी और संगठन में, कई संगठनों में आप थे, तो सुहेलदेव में आने का क्या राज है? देखिए, ये तो सही है कि मैं बहुत सारे संगठनों में काम किया हूँ, सुहेलदेव पार्टी में आने का, मैं जब नेताजी से पहली बार मिला था तो मैंने उनको देखा था, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं देखता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद जितना सहज और मधुर वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने जनता के लिए हैं, उतना मुझे लगता नहीं कोई है। उनके विचारों से मैं प्रभावित होकर सुहेलदेव पार्टी से। आपका ये जो तरक्की हो रही है, इसमें सबसे जो है किसका सहयोग है पूरा? देखिए, हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई होता ही, तो एक तरीके से कह लीजिए परिवार, दोस्त, आप जैसे मीडिया बंधु, हमारे कार्यकर्ता बंधु और परम आदरणीय नेताजी, सबका प्रेम है। और विशेषकर मैं आभार अगर देना चाहता हूँ तो मैं अपने बड़े भाई राजीव कुमार सिंह जी को दूंगा, जिन्होंने हर क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। तो सबका है, सबका आशीर्वाद है, सबका प्रेम है। और जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता के लिए तो जनता की जितनी सेवा हो सके वो हम पूरा करेंगे और पार्टी का जो भी शीर्ष नेतृत्व मुझे जो भी दायित्व देती है मैं उसको पूर्णतः निभाने का पूरा प्रयास करता हूँ। लास्ट सवाल,
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी को कुछ कहना चाहेंगे आप? दिल से सलाम है। तो अभी आपने देखा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला प्रभारी सुगंध सिंह थे, हमारे भी उनसे बातचीत हो रही थी। अगले अपडेट के लिए बने रहिए, देखते रहिए पवन पुरोहिया न्यूज पर। सतीश चौहान के साथ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।